साल 1994 एक्ट्रेस सुष्मिता सेन के करियर का बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ था। ये वही साल था जब सुष्मिता सेन ने मिस इंडिया का टाइटल जीता था और उसके बाद सुष्मिता सेन ने बॉलीवुड में कई हिट फिल्में दी और उनका फिल्मी करियर ऊंचाइयों को छूता चला गया। वहीं अभी हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें सुष्मिता ने मिस इंडिया लुक को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। ये वीडियो जीना इसी का नाम है शो का है। इस वीडियो में सुष्मिता ने बताया है कि उनका मिस इंडिया प्रतियोगिता में पहना विनिंग गाउन दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट से खरीदा गया था। इतना ही नहीं, वहीं के एक लोकल टेलर ने गाउन को सिला भी था। मिस इंडिया कॉम्पिटिशन में सुष्मिता को 4 गाउन पहनने थे, लेकिन मिडिल क्लास से होने के चलते वे जानती थी कि कुछ बाधाएं सामने आएंगी। वीडियो में सुष्मिता सेन ने कहा है, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि डिजाइनर्स आउटफिट खरीद सकें, 4 कॉस्ट्यूम चाहिए थी। मेरी माँ ने कहा, तो क्या हुआ, वो तुम्हारे कपड़े को नहीं देखने जा रहे हैं, वे तुम्हें देखेंगे। फिर हम सरोजनी नगर मार्केट गए। हमारे नीचे गैरेज में एक लोकल टेलर वाला बैठता था जो कि पेटीकोट बनाता था। हमने उसे सारा सामान दिया और उसे कहा, ये टीवी पर आने वाला है तो अच्छा काम करना। सुष्मिता का विनिंग गाउन फैब्रिक से बना था। उनकी माँ ने बचे हुए कपड़े से गुलाब बनाया जो कि सुष्मिता सेन की ड्रेस में इस्तेमाल हुआ। सुष्मिता ने भी यही कहा था कि सॉक्स को काटकर उनके ग्लव्स बनाए गए थे। ग्लव्स बनाने के लिए थोड़ी इलास्टिक का भी इस्तेमाल किया गया था। सुष्मिता सेन ने कहा है कि उस गाउन को पहनकर जब मैंने मिस इंडिया का टाइटल जीता तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था। मुझे एहसास हुआ कि जो आप चाहते हो उसे पाने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं होती है, आपके इरादे सही होने चाहिए। अब वहीं अगर बात की जाए एक्ट्रेस के वर्क फ्रंट की, तो सुष्मिता कई सालों से इंडस्ट्री से गायब हैं मगर अब वो कमबैक करने वाली हैं। राम माधवानी की वेब सीरीज आर्या से वे डिजिटल डेब्यू करेंगी। अगर उनकी पर्सनल लाइफ पर गौर करें तो वे मॉडल रोहमान सॉल को डेट कर रही हैं। दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी होती रहती हैं और जल्द ही उनकी शादी करने की भी खबरें हैं। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक और शेयर करना ना भूलें। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।